ધજી મનમાં જતા લખતો રે તું જોડ ધજી દે પૂછ નહીં જતા તું પ્રતાપ તારા ફોન મનસર મત એ રમઝાન ચલ રહે છે ને સદી સો કરો તારા ફોન મનસર મત તો જો તુજ પે ઝુમ કરતા હે તો સે માફ કર દે જહાં બસ ન ચલે ના વહાં હમ કરની ફેર જાતે હૈ પતા ના ડાડા હૈ જહાં બસ ચલતા હૈ વહાં રગડા લગાતે હૈ ઇતની સી હમારે અંદર જવાની હૈ बीवी पे जुल्म कर जाते हैं घर के अंदर सबसे मजलूम बीवी है और उस पे जुल्म हो रहा है खैरुकुम खैरुकुम यहतीकुम तुम में से बेहतरीन वो शख्स जो घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है हमारा जुल्म की इब्तदा बीवी से हो रही है कि वो कमजोर है उसे रगड़ा लगाना है छोटी सी बात पे सुनाए उसे दो लफ्ज बोलूंगा चुप करके बैठ जाओ सहम जाएगी उसे ये अखलाक नहीं है अखलाक पहाड़ों जैसा सीना चाहिए ऐसा सीना वाला हो सब्र कर जाओ इन्नल्लाह मअस्सबरीन बहुत बड़ा अमल है सब्र अगले की जान निकाल देता है इमाम आज़म अपनी फारक बताया एक मजमे में बयान कर रहे थे एक आदमी उठा मजमे में सबके सामने कहता है हजरत सुना है आपकी बेवी आपकी वालदा बेवा है कहाँ सुना है खूबसूरत है कहाँ का मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ इतना बड़ा है मजमे में और अंदाज रिश्ता मांगने का ये कौन सा तरीका है पहले गुस्सा दिलाया का मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ अच्छा आप इधर बैठो मैं अभी आता हूँ मिंबर से उतरे नमाज से कुछ आ रहा ये उतर चले पीछे वो तड़प तड़प के मर गया मखज़न अखलाक वाले ने लिखा है कि अबू हनीफा के सब्र में उसकी जान गई हमें तो ऐसा कोई नहीं कह सकता एम ऑफ बिन गैस मस्जिद में बैठे हैं मैं कुर्सी पे बैठा हूँ ये ऐसे गोट हबवन इसे कहते हैं गोट हबवन यूं बैठे थे हाथों बात पकड़ के ऐसे मस्जिद में सामने दरवाजा खुला था एक नौजवान दौड़ता हुआ सर नजर कच्ची वो सामने जनाजा आ रहा है कहाँ आ रहा है का आपके बेटे का है आपके भतीजे ने कत्ल कर दिया यूं बैठे थे यूं से यूं नहीं हुए अच्छा भाई ने भाई को मार दिया चलो मैं ये कत्ल माफ करता हूँ अगरचे मेरी बीवी को बड़ा दुख होगा जो मैंने ये कत्ल माफ कर ऐसे लोगों के पीछे चलने वाले हैं जैन और आदमी मस्जिद में बैठे थे नौजवान आया सामने आके गाली दी उन्होंने इधर मुंह कर लिया इधर आके गाली दी उन्होंने उधर मुंह कर लिया उधर आके गाली दी उन्होंने इधर मुंह किया इधर आके गाली दी उन्होंने इधर मुंह कर लिया वहां से मुंह सामने आके आगे कहता है और मैं तेरी गाली कटी जाना उन्होंने फरमाया मैं भी तुझे ही माफ करता जा रहा हूं सुभान अल्लाह अपन ऐसे मुसलमान हैं साढ़े अखलाक हैं अभी मैं खबरें सुन के आ रहा हूँ पेशावर में कोई एक्सीडेंट और अभी बात कर रहा था कि मुझे शर्म आ रही वो हिंदू था गणेश कुमार असम्बली में खड़ा है कहते मुझे शर्म आ रही है कि रमज़ान से पहले मुसलमानों के अखलाक कुछ और थे रमज़ान आया तो कुछ और हो गए हैं तो उसने कहा वो कैसे कहा रमज़ान में पहले केले 150 रुपये दर्जन थे अब 400 रुपये तक चले गए पहले चीज़ें सस्ती थी रमज़ान में उन्हें महंगी कर दी हैं मुझे यहाँ साथी कुछ कहते हैं मुसलमान हो जा तो मैं इनसे पूछता हूँ कैसा मुसलमान बनूँ फिर पेशावर में सिख दुकानदार ने चीज़ें कीमतें खरीद पे बेचनी शुरू कर दी उसकी दुकान का रश लग गया उसको कत्ल कर दिया फिर लोग मुसलमानों की दुकान पे जा नहीं रहे थे उसे कत्ल कर दिए गए मुसलमान ने कर दिया जिसने भी किया है क्या खिलाफ अच्छे नहीं इसी बात पे कत्ल हो रहा है तो आदमी ताजर ने नफरत की है ये चीजें सस्ती क्यों बेच रहा है वो अपना मूल भी लगा के जेब से हम सारा साल को आता हूँ तो रमजान में मैं मुसलमानों के लिए चीजें सस्ती कर कत्ल कर देंगे ये मुसलमान को इतनी नीचे आ गए आने वाला औरत इस नस्ल के बारे में क्या लिखे इन्होंने एक दूसरे के मुंह से नवाले छीने
السنتهم كالأس قلوبهم ذهب کہ ان کے دل بھیڑیے کے دل تھے اور ان کی زبانیں میٹھی تھی. ہمارا تاجر مل تو کہ ہمیں لوٹ رہا ہے. بھائیو ظلم اور یہ سب ظلم ہے, دنیا کو بچاؤ. رمضان میں تو کم سے کم ہماری زندگی کو رفت